हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स बहुत सारी कमेंट मेरे पास लगातार आ रही हैं कि लो फीस वाले MBBS मेडिकल कॉलेज कौन से हैं और वो कहाँ पर अवेलेबल हैं, किस स्टेट में हैं, कितना पैकेज कम से कम हमको देना होगा अगर प्राइवेट कॉलेज से हम MBBS करते हैं तो। साथ ही जिस स्टेट में ये अवेलेबल हैं वहाँ पर किसी अदर स्टेट का स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपके कौन से ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पर फ़ीस आपकी कम लगती है, तो उसकी भी एक लिस्ट है मेरे पास 2018 की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस कॉलेज में उत्तर प्रदेश में जितने भी आपके यूपी में कॉलेज हैं उनमें किस कॉलेज की फ़ीस कितनी है आपकी विद हॉस्टल, सारी चीज़ों की जो है बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आगे जो भी मेरा वीडियो आता है केमिस्ट्री नीट एम्स और काउंसलिंग से रिलेटेड उसकी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा यहाँ पर कि सबसे कम फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो कहाँ पर हैं। तो सबसे कम फीस वाले जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो आपके कर्नाटका स्टेट में अवेलेबल हैं। कर्नाटका में आपकी जो फीस है वो 1 से 1.5 लाख, 1.5 से 2 लाख के बीच में भी आपकी फ़ीस है, लेकिन ये जो फीस है केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो कर्नाटका के डोमिसाइल हैं, वहीं पर रहने वाले हैं। ऐसे प्राइवेट कॉलेज भी हैं वहाँ पर जो मात्र 1.5 से 2 लाख फीस लेते हैं सालाना, और वो मतलब उनका जो पैकेज जब वो पूरा 10 से 12 लाख का है MBBS का, लेकिन वो डोमिसाइल के लिए ही है। काफ़ी स्टूडेंट इस बारे में मुझे कमेंट कर रहे थे कि कर्नाटका में ऐसे कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पर 1.5 से 2 लाख का फीस जो है पर ईयर लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो फीस है वो सही बात है लिया जाता है, लेकिन वहीं के रहने वाले डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए ही है, ठीक है। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ ले सकते हैं, तो उनका डिपेंड करता है कि उनके कितने मार्क्स हैं। अगर आपके मार्क्स 500 से ऊपर हैं तो आपको उम्मीद है वहाँ पर कॉलेज मिल जाए 6 से 7 लाख की फ़ीस के बीच में। ये जो फीस मैं आपकी बता रहा हूँ ये 2018 की बता रहा हूँ, इस साल जो है कुछ बढ़ोतरी इसमें हो सकती है। अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा कि 2018 में किस कॉलेज की कितनी फ़ीस थी। तो देखिए ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है वो लिस्ट कॉलेजों की नाम है यहाँ पर, और फीस वहाँ के डोमिसाइल के लिए कितनी है, आपके लिए अदर स्टेट के लिए कितनी है। यहाँ पर हॉस्टल की फ़ीस जो है इंक्लूड नहीं होती है, तो उसको से इंक्लूड वहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ ये जो फीस है वो आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग वेरी करती है। यहाँ पर आपकी जो फीस है वो 8 लाख से 16 लाख तक का आपका पैकेज जो है पर ईयर का आपको मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने। आपके मार्क्स ज़्यादा कम होंगे तो आपका वैसे ही फीस जो है आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो फीस आपको कम देनी होगी। और ये जो है एडमिशन इनमें काउंसलिंग के थ्रू ही होता है, जब कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग होती है तभी इनमें एडमिशन होता है, ठीक है। तो ये इस लिस्ट को आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए और पूरी अच्छी तरीके से और यहाँ पर जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ कर्नाटका स्टेट की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको कॉन्टैक्ट करके भी इनके बारे में काउंसलिंग कब कैसे हो रही है वो आप जान सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूं यहाँ पर यूपी की कि यूपी में कितनी फ़ीस है किसकी, तो वो मैं लिस्ट आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो ये जो लिस्ट मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ ये यूपी में जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी लिस्ट आपके लिए दिखा रहा हूँ। इसमें उनकी फ़ीस भी, ट्यूशन फ़ीस भी इंक्लूड है, इसमें उनका हॉस्टल फ़ीस भी इंक्लूड है, सिक्योरिटी फ़ी भी इंक्लूड है, और टोटल जितना भी है वो पैकेज आपको बताया गया है पर ईयर के हिसाब से कि कितना आपका लगेगा। तो जैसा भी हो आपके, ये भी जो है आपके अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपके कितने हैं वो डिपेंड करता है, उसके हिसाब से इसमें भी कॉलेज में एडमिशन होते हैं। यहाँ पर भी प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन नीट के काउंसलिंग के थ्रू ही होता है, जब स्टेट काउंसलिंग होती है तभी उत्तर प्रदेश में ये प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन होता है, ठीक है। तो दोनों की ही लिस्ट आप देख लीजिए कहाँ कितना है, मैंने आपको बता दिया। और कोई चीज़ अगर आपको जाननी हो और इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।